हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जीडी पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने भी डिप्लोमा या बीटेक किया है और वो किसी भी जेई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय अगर देखा जाए तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर उन्होंने एसएससी जेई 2022 का एग्ज़ाम दिया था और प्री क्वालिफाई कर लिया है तो मेंस की प्रिपरेशन करनी है उन्हें, और अगर प्री नहीं निकला है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, 2023 का कैलेंडर आ चुका है, उसकी प्रिपरेशन उन्हें प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगर उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको बैच की आवश्यकता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में क्लासेस की आवश्यकता है, तो बहुत ही कम शुल्क में हमारे संस्थान में बैचेस चल रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, आधार बैच, जिसमें कि मैकेनिकल और सिविल के बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों, रेलवे जेई की वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेकर के हमने विजयी भव बैच लॉन्च किया और उसमें लगातार एडमिशन्स हो रहे हैं। अगर उसमें आप प्रवेश लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्रों के ये प्रश्न आ रहे थे कि सर, हमने 2022 का एसएससी जेई क्रैक कर लिया है, प्री हमने क्वालिफाई कर लिया है, सर मेंस की कोचिंग करनी है, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, ये नहीं समझ में आ रहा। तो क्या हमें मेंस की कोचिंग करनी चाहिए? लगभग 30-35 दिन बचे हैं आपके मेंस के एग्ज़ामिनेशन में, क्या हमें मेंस की कोचिंग करनी चाहिए या फिर हमें मेंस की प्रिपरेशन खुद से करनी चाहिए, या फिर मेंस के लिए हमें कोई एक एजुकेटर से संपर्क करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए? इसको लेकर के बहुत सारे छात्रों के मन में प्रश्न थे, जो लगातार संपर्क में मुझसे रहते हैं, लोग पूछते हैं। संस्थान पर आकर के भी कुछ लोगों ने पूछा, कॉल करके पूछा कि सर आगे कैसे करें, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। तो अगले 30-35 दिन के लिए 26 फरवरी टेंटेटिव डेट बताई गई है एसएससी के द्वारा कि मेंस का एग्जामिनेशन आपका होगा। तो जब तक वो एसएससी जेई मेंस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हमारा संस्थान टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, और जिसका एक डिवीज़न है टेक्निकल डिवीज़न, टारगेट ऑन इंजीनियर्स विशेष रूप से टेक्निकल के विद्यार्थियों के लिए ही क्लासेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर ही सारे प्रोग्राम, सारी क्लासेस, फ्री क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा से बच्चों के लिए फ्री कोर्सेज, फ्री क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर देता रहता है। टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षकों ने, सभी एजुकेटर्स ने और जितने भी लोग हमारे यहाँ हैं, सबने ये प्लान किया, हम लोगों ने ये सोच के ये प्लान किया कि हम मेंस का बैच लॉन्च करें या मेंस का बैच लॉन्च करके आपको पढ़ाएं, वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है और आप उसमें परेशान भी होंगे। बल्कि व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप मेंस का कोई बैच परचेस करके ना पढ़िए, उतना समय नहीं है कि एजुकेटर पढ़ाए और आप उसे फिर पढ़ें, फिर उसे परसू कर पाएँ। अभी जितना समय है मेंस निकालने के लिए, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको खुद पे समय देना है। कॉन्सेप्ट आपको सारे पता हैं, पहले से पता होने चाहिए भी, क्योंकि आपने प्री निकाला है तो आपको पता ही होंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट को मेंस में लिखना कैसे है, इसके लिए कोई बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि आपका समय बहुत सारा किल हो जाए। अच्छा, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग कंजम्पशन करते हैं, यूट्यूब कंजम्पशन पे लेकर के, यूट्यूब को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ देखते रहने से भी एग्ज़ाम निकलेगा नहीं मेंस का, क्योंकि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो एक अलग तरह का एग्ज़ाम है, उसमें लिखना है आपको, तो सबसे पहले तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें कन्वेंशनल फॉर्मेट में चीज़ों को डिटेल में लिखना है। वहाँ कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट टिक मार के आगे बढ़ गए, वहाँ पे तो मेंस में तो आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना, डिटेल करना पड़ेगा, जैसे आप एकेडमिक्स में लिखते थे ना, बीटेक में, डिप्लोमा में, वैसे लिखना पड़ेगा। तो किया क्या जाए? तो टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने ये निर्णय लिया है, टारगेट ऑन इंजीनियर्स की टीम ने ये निर्णय लिया है कि हम कोई पेड बैच तो नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, MMP, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम। मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत
फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपसे लेना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ टारगेट ऑन इंजीनियर्स का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों ही चैनल पर हम मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जी छात्रों, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम अर्थात MMP चलाने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम में क्या मिलेगा आपको? ये प्रोग्राम आपको 30 दिन तक चलेगा, 35 दिन तक चलेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है तो 25 फरवरी तक ये प्रोग्राम आपका चलेगा। इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं? इस प्रोग्राम में हम करने वाले ये हैं कि जिन छात्रों ने प्री निकाल लिया है मेंस के लिए, उनको हम गाइड करने वाले हैं। आपको हमारे संस्थान टारगेट ऑन इंजीनियर्स का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा MMP नाम से, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम MMP नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाइए, समय समय पर उसमें वीडियो अपलोड होंगे, लाइव भी किए जाएंगे, जिसमें हम आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। गाइडेंस में कई सारी चीज़ें आती हैं। गाइडेंस में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ा तो आपने है ही है, सब्जेक्ट की जानकारी, सिलेबस की जानकारी तो आपको है ही है। अगर आपको कुछ ना आता होता तो आपका प्री कैसे निकलता? प्री एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब आपको चीज़ें आती तो है ही हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं बल्कि आपको बहुत कुछ आता है। सब कुछ तो नहीं आ सकता किसी को भी, लेकिन बहुत कुछ आता है, इसलिए आपका एग्ज़ाम निकला है। तो पहले अगर आपके मन में डाउट है कि आपको कुछ नहीं आता, कम आता है, तो इस डाउट को बाहर निकाल दीजिए। हज़ारों लाखों लोगों ने परीक्षा दी और आप उन कुछ लोगों में से हैं जो चुन करके आए गए हैं। चुन करके जो आए हैं वो सेलेक्टेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं और उन्होंने पढ़ाई करी है और उनका भाग्य साथ भी दिया है और ईश्वर ने उनकी मेहनत को सुन लिया, तो वो सेलेक्टेड हैं। अब प्री क्वालिफाई किया है आपने ना, तो बिल्कुल सुखद बात है कि आप अच्छे लोग हैं, आपका तैयारी अच्छी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको आता नहीं है। तो पढ़ाना ही सिर्फ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य भी नहीं है। पढ़ाने के अलावा ये पढ़ाना, ये बताना कि क्या नहीं पढ़ना है। इस समय बहुत सारे लोग YouTube पर, अन्य स्थानों पर आपको ये बता रहे होंगे कि क्या पढ़ना है, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, लेकिन साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो पढ़ना कैसे है, और जो पढ़ लिया है उसको लिखना कैसे है, और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किन किन सेक्शंस होते हैं। मैंने कल के वीडियो में आपसे बताया था कि 6 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। लेकिन जो सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, थ्योरी हो सकता है किसमें, किसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, किसमें ज़्यादा थ्योरी हो सकता है, किसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो उसमें 6 सेक्शन कौन से बनते हैं, उन 6 सेक्शन में कहाँ थ्योरी ज़्यादा आती है, कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो वो 6 सेक्शन कौन से हैं सिविल में, जहाँ थ्योरी ज़्यादा आती है, जहाँ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, किसका क्या वेटेज है, ये सब कुछ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। बहुत लंबे वीडियोस नहीं होंगे, आपका बहुत टाइम कंज्यूम ना हो, छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको सही गाइडेंस प्रदान की जाएगी। सब्जेक्ट वाइज फ्लूइड में कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं कि मेंस में वो डेरिवेशन आपको करके जाना चाहिए, वो पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा होगी। मैकेनिकल की अगर बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स में, RAC में, पावर प्लांट में, SOM में, किसी भी विषय में अगर आप बात करें तो कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सबकी चर्चा होगी। सिविल में भी ऐसे ही, सॉइल मैकेनिक्स में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में, स्टील स्ट्रक्चर में, PHE में, किसी भी विषय में कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर चर्चा होगी कि आपको वो डेरिवेशन करके जाने चाहिए। इसके साथ डेरिवेशन के साथ साथ किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम और हमारी फैकल्टी आपको लगवाएगी। मैं खुद बहुत सारी क्लासेस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत लूँगा। कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगवाने हैं, किस सब्जेक्ट से, किस सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्या क्वेश्चन डिक्टो एग्ज़ाम से आते हैं, क्या क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, क्या लास्ट 10 ईयर के सवाल लगा लिए जाए तो क्या हमारा सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, ऐसे तमाम सारे प्रश्नों का जवाब आपको मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मिलेगा।
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी इतना समय नहीं है कि आप प्रॉपर एक बैच ज्वाइन करके पढ़ सकें, तो मेरा सुझाव व्यक्तिगत रूप से यही है कि आप बैच ना ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए। और पहली बात तो ये मानिए कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपने प्री क्वालिफाई किया है, आप लाखों स्टूडेंट्स में से निकल करके आए हैं, सेलेक्टेड लोग हैं, तो आपको ना बहुत घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी मेहनत को थोड़ा कैटेगराइज करके और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और उसको ऑर्गेनाइज करने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में हर उस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरी टीम भी डिस्कस करने जा रही है। कुछ सवाल भी लगवाए जाएंगे, डेरिवेशन भी कराए जाएंगे, कुछ डेरिवेशन बताए भी जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की लिस्ट भी आपको दी जाएगी, क्वेश्चंस का लेवल क्या है उसका डिस्कशन होगा, साथ ही साथ टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, उन सब पे विशेष चर्चा होगी। उसके लिए करना आपको क्या है कि हमारे टारगेट ऑन इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर MMP नाम की एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको कल से परसों से वीडियोस मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। एक महीने हमारे साथ बने रहिए, बहुत कुछ प्रॉपर एक्चुअल गाइडेंस आपको मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो छात्रों, ये था मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से MMP से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं लगातार इस पे काम करके आपके सामने टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ टारगेट ऑन इंजीनियर्स जो कि इंजीनियर्स के लिए बनाया गया यूट्यूब चैनल है, दोनों पर आपको मैं गाइड करता रहूँगा। खूब पढ़ाई करते रहिए, खूब शुभकामनाएँ हैं आपके लिए कि आप इस प्रोग्राम के तहत नॉलेज लेकर के, सीख करके, SSC JEE मेंस क्वालिफाई करके जल्दी से जल्दी अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। थैंक यू सो मच।